एवरीवन, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं बना रही हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके शरीर में थकान है, कमजोरी है और पैरों में दर्द है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर रखा है और इसमें एक चम्मच घी डाला है देसी, और मैं सबसे पहले ये मखाने रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मखाने में बहुत ही कैल्शियम होता है, ये बहुत ही अच्छे मखाने कैल्शियम के स्रोत होते हैं। और दोस्तों, हमें मखानों को अपनी सेहत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और ये लोटस सीड्स भी कहा जाता है। और दोस्तों, मेरी वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये मखाने क्रिस्पी हो गए हैं और मैं मिक्सी में इन्हें दरदरा पीस लेती हूँ। आप चाहें तो इन्हें कूट भी सकते हैं। और दोस्तों, हमें ये बादाम भी लेने चाहिए, हमें इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कि गर्मियों में हमें केवल ये भिगोकर और छिलका उतारकर ही खाने चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और इनसे हमारी खून भी बढ़ता है। और अब दोस्तों, मैं ये नारियल ले रही हूँ, सूखा नारियल, जो इसके बहुत ही अच्छे गुण हैं। सूखे नारियल की न्यूट्रियल वैल्यू ज़्यादा होती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैंने इन्हें भी रोस्ट कर लिया है और मैं थोड़ा सा देसी घी डाल करके ये थोड़ी पॉपी सीड डाल रही हूँ। इनकी तासीर गर्म ही होती है, इसलिए इन्हें थोड़ा ही यूज़ करें। सर्दियों में आप इन्हें आराम से खा सकते हैं, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें अब मैं एक गिलास दूध ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी और इसे 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और इसमें अब हम उबाल लेंगे और अब इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हम ये मखाने ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने 2 बादाम भी पीस दिए थे और अब इन्हें अच्छे से चलाएंगे। और अब ये मैं नारियल ऐड कर रही हूँ और ये चीनी है। दोस्तों, चीनी की जगह आप मिश्री ऐड करें, धागे वाली, वो जो दाने वाली मिश्री होती है, आप उससे ना डालें। और चीनी तो बिल्कुल ना डालें, लेकिन मैंने इसे डाला है क्योंकि हमारे पास मिश्री नहीं थी। और ये बहुत ही अच्छा सेहत का ग्लास है, आप इसे ज़रूर पिएं। और मैंने ये बादाम से गार्निश किया है। आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सेहत का दूध आप ज़रूर पिए। और किस किस को दूध पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।